नमस्कार। आर्यन खान 28 दिन के बाद घर वापस आए हैं, यही वजह है मन्नत में जश्न का माहौल है। दुल्हन की तरह मन्नत को सजाया गया है। शाहरुख के घर के बाहर फैंस भी पटाखे फोड़कर जश्न में डूबे हुए हैं। आर्यन के समर्थन में न सिर्फ पूरा बॉलीवुड आ गया है, बल्कि पाकिस्तान से भी इस हक में आवाज उठ रही है। हाल ही में पाकिस्तानी टीवी एक्ट्रेस हीरामणि ने भी आर्यन का समर्थन किया, हालांकि ये समर्थन उनको भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शाहरुख की फिल्म में काम लेने के लिए हीरामणि इस तरह की मक्खनबाजी कर रही हैं। आर्यन को बेल मिलने की खबर सुनते ही पाकिस्तान की फेमस एक्ट्रेस हीरामणि ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट की और लिखा, मेरा प्यारा सा बच्चा बाहर आ गया, अल्लाह आपका लाख लाख शुक्र है, मुबारक। हीरामणि का ये पोस्ट आना था और लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों को ये रास ही नहीं आया कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने शाहरुख के बेटे का समर्थन कर दिया। एक्ट्रेस को ट्रोल करते हुए एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा, आर्यन खान की नई मम्मा, नई मतलब हद ही हो गई। सईद सलमान नाम के यूजर ने लिखा, आर्यन ने बाहर निकल के सबसे पहले अपनी खाला हीरामणि को ही कॉल लगाई होगी। एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, गॉड हैज ब्लेस्ड अस विद अ ब्यूटीफुल बेबी बॉय। इसके बाद हीरामणि का पोस्ट साझा कर उन पर तंज कसा गया। एक और यूजर ने लिखा, ओ गॉड क्या है ये औरत। एक यूजर ने लिखा, ये इंडिया गई थी या शाहरुख खान पाकिस्तान आया था। नादिया खान नाम की यूजर ने लिखा, घटिया औरत फिल्म में चांस के लिए बटरिंग। एक और यूजर ने लिखा, हीरा बाजी शाहरुख खान के साथ फिर भी फिल्म नहीं मिलनी आपको, वो मायरा खान को पसंद करते हैं। तो देखा आपने, पाकिस्तान से आर्यन के लिए आवाज उठी तो लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर।